और ओबीसी आरक्षण के समर्थन में छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान किया गया है। ओबीसी एससी एसटी के कई संगठनों ने समर्थन दिया। हाईकोर्ट में 27% आरक्षण पर रोक लगाने से नाराज हैं। रायपुर के घड़ी चौक में प्रदर्शन करेंगे। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर में घड़ी चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ओबीसी एससी एसटी के कई संगठनों ने इन्हें समर्थन भी दिया है और छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान किया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, जिस तरह से बंद का ऐलान किया गया है, कितना असर वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण में कटौती की गई है, उसी को लेकर यहाँ पर महाबंद बुलाया गया है। यहाँ पर घड़ी चौक में अभी मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे अंबेडकर की मूर्ति है और अंबेडकर की मूर्ति के ठीक सामने जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो आरक्षण में कटौती इस प्रकार से की गई है। कोर्ट में सरकार ने पहले 27% आरक्षण बढ़ाया था ओबीसी वर्ग का, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर कोर्ट गए और कोर्ट से वहाँ पर 27% आरक्षण पर रोक लगी। इसके बाद से लगातार जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। आज महाबंद का ऐलान यहाँ पर किया गया है। करीब 18 संगठनों ने इनके बंद को समर्थन दिया है। हालांकि सुबह का वक्त है, ऐसे भी शहर में 10 बजे के बाद जो दुकानें हैं वो खुलती हैं, तो अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है कि बंद का असर है या नहीं। लेकिन ओबीसी वर्ग के कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये कटौती की गई है, उसी का विरोध आप। हमें छत्तीसगढ़ में ओबीसी के लोगों का जितना संख्या है लगभग 52% है, 52% हमको आरक्षण चाहिए और उसी प्रकार से 16% शेड्यूल कास्टों को भी चाहिए। और हम लोग आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ महाबंद किए हैं और आप चारों तरफ देख रहे हैं, लगभग छत्तीसगढ़ पूरा बंद होने की कगार पे है। आधा से ज्यादा तो बंद हो गया है। हमारे लोग हर वार्ड में चारों तरफ फैले हुए हैं, बंद कराने के लिए लोग निकले हुए हैं पूरे प्रदेश में। सरकार ने 27% बढ़ा दिया था, लेकिन कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने फिर उसको अस्वीकार कर दिया। यही बात तो है, जब सरकार ने 3% आबादी को 10% दिया तो वहां किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था थी। लेकिन इस देश में 52% है ओबीसी पिछड़ा वर्ग, उनको अगर सरकार ने 27% दिया तो इनको तकलीफ क्यों हुई? आखिर इन्होंने कोर्ट गए हैं और कोर्ट ने उसमें स्थगन क्यों दिया, जबकि इस देश छत्तीसगढ़ में 52% है और संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या है उतना ही उसको वंचित आरक्षण दिया जाएगा। कितने संगठनों ने समर्थन दिया है बंद? हमको लगभग 19 संगठनों ने समर्थन दिया है और पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। पूरे छत्तीसगढ़ लगभग बंद के समाचार आ रहे हैं और ओबीसी में जो जागरूकता आ रही है और उसका लाभ ये मिल रहा है कि हमें सभी संगठनों का समर्थन, जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो छत्तीसगढ़ में लगभग 97% है, अब पूरी ताकत से आज ओबीसी के आंदोलन के समर्थन में चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। तो लगभग 52% की आबादी छत्तीसगढ़ में जो ओबीसी वर्ग है उनकी है, और जिस प्रकार से सरकार ने 27% आरक्षण उनका किया था, लेकिन कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने फिर उसको अस्वीकार करते हुए जो आरक्षण पहले था उसी पर ही पूछने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से कोर्ट ने मना किया है और ये आंदोलन कर रहे हैं जिस बात को लेकर के, आरक्षण को लेकर, अगर ये बात नहीं मानी गई, मांगे नहीं मानी गई, तो आगे क्या करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर उनसे ही बातचीत यहाँ पर हम करते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कोर्ट ने ही, जो हाई कोर्ट है बिलासपुर का, उन्हीं ने ही इस पर रोक लगाई है। कोर्ट ने रोक लगाई है, अब आज बंद है, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो क्या आगे रणनीति आप लोग? देखिए, जब तक आरक्षण को यथावत नहीं रखा जाता तब तक आंदोलन यथावत जारी रहेगा। ये आज सिर्फ ये वैकल्पिक मात्र है। आज हमने महाबंद का आयोजन किया है, अगर सरकार विधानसभा में इसको पारित करके कोर्ट को नहीं सौंपती है, क्योंकि सरकार का काम है विधानसभा में ऑडिशन लाके सरकार 52% आरक्षण दे सकती है पिछड़ों को, अगर नहीं दिया जाता है तो यहाँ महाआंदोलन होगा और यथावत रहेगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास हमारे संगठन के कुछ लोगों ने किया था,
तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तो पहले ही 27% आरक्षण का आश्वासन दिया हुआ है और मंत्रिमंडल में हमने पास भी कर दिया है करके। तो हम लोग ये चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने तो 27% आरक्षण की ही बात किया था और हम लोग चाह रहे, हमारी संख्या 52% है तो 52% क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब 3% लोगों को 10% दे सकती है सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो 52% को 27% क्यों? तो देखिए, आंदोलन रुकने वाला नहीं है क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि आज सिर्फ वैकल्पिक तौर पर आज महाबंद बुलाया गया है, लेकिन अगर उसके बावजूद जिस प्रकार से 27% आरक्षण सरकार ने किया था, अगर उसी पर कोर्ट ने या 27% आरक्षण नहीं किया तो उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि जिस तरह से इनका आंदोलन की बात कर रहे हैं, लगातार जारी रहेगा, कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो प्रभावित होगी क्योंकि बंद रहेगा, लोग परेशान होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी अगर बंद होता है तो आम लोगों को परेशानी जरूर होती है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 52% जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो रहते हैं और एक बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की है और खासे वोट बैंक को ये प्रभावित करते हैं। आगामी नगरीय निकाय का चुनाव भी होने वाला है तो ऐसे में इनकी जो अहमियत है वो काफी बढ़ गई है, तो राजनीतिक दल के लोग भी इनको समर्थन देते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो 18 संगठन है उनका समर्थन इनको मिला है और आगे की रणनीति, अब यहाँ महाबंद के बाद ये एक बैठक कर आगे की जो रणनीति है वो तैयार करते नजर आएंगे। चलिए हेमंत, आप लगातार नजरें बनाए रखिए कैसा हाल होता है वहाँ का और जिस तरह से बंद का ऐलान किया गया है क्या कुछ असर दिखता है, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।